हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। तो अभी जो है झारखंड में विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया और भाई मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपना शपथ ग्रहण कर लिया। अब उसके बाद जो बात आने वाला हूँ, आज मैं जो अपडेट लाने वाला हूँ, ये अपडेट ये है कि भाई आज मैं एक आर्टिकल पढ़ा जिस आर्टिकल में दिया हुआ था कि भाई मुख्यमंत्री जी हैं, उनका शपथ ग्रहण हो गया। अब जो भी काम काज था, जो पेंडिंग हो गया था, रुक गया था इलेक्शन की वजह से, और इससे पहले जो सरकार थी वही सरकार दोबारा बन गई, तो सभी काम का जो है वहीं से स्टार्ट हो जा रही है। जैसे में जो विधानसभा का चुनाव होना था उसमें सरकार जो है, जो भी सरकार बनी, उन्होंने युवाओं को लेकर जो उन्होंने अपना रखा हुआ था कि भाई युवाओं के रोजगार देने के लिए, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने वाली है इस बार। तो इसी के तहत JSSC CGL की जो परीक्षा का रिजल्ट है उसके काम में भाई तेज़ी आ गई है। अब जो आप लोगों का रिजल्ट है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर के सेकेंड वीक तक इसका रिजल्ट आ जाएगा JSSC CGL का, क्योंकि इसी के जरिए जो झारखंड में सचिवालय सहायक का और भी जो ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट हैं, जिसमें 2025 पोस्ट हैं, उन लोगों का भी रिजल्ट आ जाएगा। इसमें 2025 जो पद हैं उन सबका भी नियुक्ति भाई हो जाएगी। और वैसे तो आप लोगों को पता है कि झारखंड में जो JSSC CGL का एग्ज़ाम हुआ था 21 और 22 सितंबर को, जो कि 823 सेंटर थे बने हुए, उसमें भाई पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी लोग इसका विरोध भी किए, और विपक्ष की पार्टी जो है BJP इसे भाई अपना एक विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना लिया था कि ये भी भाई एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है अभी, बट फिर भी कुछ हुआ नहीं। लास्ट में जाकर के JMM की सरकार बन गई यहाँ पे। तो JSSC CGL का जो भाई एग्जाम को रद्द करने की मांग की जा रही थी, उसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस मांग को भाई खारिज कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई लीक नहीं हुआ है पेपर, ऐसा उन लोगों का कहना है। और इसी बीच संभावना ये भी बन रही है कि जो झारखंड में राज्य सरकार JPSC के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति अब बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि पिछले 6 महीना से भाई उस पोस्ट पर कोई है नहीं और उसका भी रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस वजह से अब JPSC का भी जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। और दिसंबर महीना से भाई झारखंड में मैया सम्मान योजना का 2500 रुपये का भाई तैयारी किया जा रहा है कि 2500 रुपये मिलने वाले हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि भाई जानकारी बहुत सारी है, बट सभी जानकारी अभी एक्स्ट्रा में देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई अभी जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है बोलना बेकार है। बट फिर भी जो थोड़ा थोड़ा अपडेट आते रह रहा है वो मैं आप लोगों को अपडेट करते रहता हूँ। तो अभी तक अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि सबको जानकारी मिलती रहे। आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय।